वेलकम टू माय चैनल। और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CEDAW इन इक्वालिटी। ऑप्शन ए कन्वेंशन ऑन द एसिमिलेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ऑप्शन बी है कन्वेंशन ऑन द इलेक्टिव फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ऑप्शन सी है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन अगेंस्ट वुमेन। नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन सेकेंड, वट इज़ कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। इक्वालिटी, इक्विटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इक्विटी। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन थर्ड इज़, हु गेव द सोशल लर्निंग थ्योरी। फ्राइड सिगमंड, जीन पियाजे, अल्बर्ट बेंडुरा, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्बर्ट बेंडुरा। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज़ द आर्टिकल फॉर प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 17, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल रिफॉर्मर्स हु वर्क फॉर इन्वायरमेंट। ऑप्शन ए है अबॉलिशनिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, सी है प्रोहिबिशनिस्ट, डी है फ्रीडम फाइटर्स। तो इन्वायरमेंट से है तो इन्वायरमेंटलिस्ट। नेक्स्ट है इसमें, हु अप्लाइड द साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। ऑप्शन ए फ्राइड सिगमंड, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी अल्बर्ट बेंडुरा, ऑप्शन डी नैन्सी कॉर्डोरो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नैन्सी कॉर्डोरो। नेक्स्ट है, द सोशल रिफॉर्मर्स हु वर्क फॉर स्लेवरी, अबॉलिशनिस्ट, प्रोहिबिशनिस्ट, फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन राइट एक्टिविस्ट। तो स्लेवरी के लिए पूछा है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबॉलिशनिस्ट। नेक्स्ट है इसमें, द कल्चर ट्रेड्स आर शेयर्ड बाय अ कैटेगरी ऑफ पीपल सच लैंग्वेज रिलीजन्स और नेशनल ओरिजिन इज टर्म एज एथेंसिटी, रेस, इक्विटी, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए एथेंसिटी इज राइट। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट, हु कंपेयर्ड सोसाइटी विद लिविंग सिस्टम और ह्यूमन बींग। ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी फ्राइड सिगमंड, सी जीन पियाजे, डी है लॉरेंस कॉलबर्ग। तो ऑप्शन ए इज राइट। What are the pattern of gender identity, paternal influence, early gender development, continuous gender development? Option D है all the above. Next है, who gave the concept of parenting style, Thorndike, Bomrind, B.F. Skinner, Ivan Pavlov? तो इसका right answer है option B, Bomrind. नेक्स्ट, आनंद मार्ग वॉज फाउंड बाय स्वामी दयानंद जी, राजा राम मोहन रॉय, प्रभात राजन सरकार, केशव चंद। तो इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, होल अप्रोच पेरेंटिंग। तो इसका जो नॉट पूछा है तो इसमें राइट ऑप्शन है डी, विच इज सेड टू बी वर्स्ट और बैड पेरेंटिंग स्टाइल। तो ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, अनइन्वॉल्वड और नेगलेक्टफुल पेरेंट, परमिसिव। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ सेड टू बी बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। तो ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, इन्वॉल्व नेगलेक्टफुल पेरेंटिंग। तो बेस्ट पूछा है तो ऑप्शन सी, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल।
नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन रेस, सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ऑल द अबव. तो ऑप्शन डी इज राइट. ईश्वर चंद विद्यासागर हैव द रोल इन विच मोमेंट, विडो रीमैरिज, चिपको मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, फ्रीडम फाइट्स. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विडो रीमैरिज. नेक्स्ट है विच इज सेड टू बी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग स्टाइल, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, प्रीमैसिव पेरेंटिंग स्टाइल, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, डी है अन इन्वॉल्व और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड विच मूवमेंट, विश्व हिंदू परिषद, आर्य समाज, आनंद मार्ग, आत्मसभा एंड ब्रह्म सभा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन इज स्टार्टेड बाय स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद जी, श्री माधव गोलवंकर, नन ऑफ दिस. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी. आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री माधव गोलकर जी, नन ऑफ दिस. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. एनी बेसेंट हैज़ कनेक्शन विद विच सोसाइटी, आनंद मार्ग, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी. तो एनी बेसेंट का कनेक्शन थियोसॉफिकल सोसाइटी से है. नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच द वर्ल्ड कम्युनिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश वर्ल्ड, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश. तो कम्युनिटी लैटिन वर्ड से जुड़ा है. तो ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट है द वर्ड वैल्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश. तो वैल्यू लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है. फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे. इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.